जीवमजीवम दवम जिन वर्वसेन जिन निदिट्टम देविंद विंद वंद्यम वंदे तम सपदा सिरसा। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हम और आप कर रहे हैं, तो जो जीव और अजीव इन दो द्रव्यों की चर्चा हमारे बीच में रखी गई है, उन जीव और अजीव में जीव तत्व की चर्चा पूरी हो गई। और जीव तत्व की चर्चा पूरी होने के बाद अब अजीव तत्व की चर्चा चल रही है। अजीव तत्व के पांच भेद होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन पांच द्रव्यों में रूप, रस, गंध, वर्ण केवल पुद्गल में पाया जाता है, इसलिए इसे मूर्तिक कहते हैं। और शेष चार द्रव्यों में और जीव द्रव्य में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चारों गुण नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उन्हें अमूर्तिक कहते हैं। अब जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य की यहाँ पर पर्याय चल रही है। माने पर्याय का मतलब होता है कि पुद्गल द्रव्य को हम किस प्रकार से किस रूप में जान सकते हैं। तो सबसे पहला है सत्तो वंदो सुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दबस पंचाया। ये पुग्गल दब्बस पचाया, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय कौन कौन सी हैं? कहते सद्दो। सद्दो माने शब्द, जो हम बोल रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो कहे जा रहे हैं, जो सुनाए जा रहे हैं, वो सब शब्द हैं। और उन शब्दों में हमको और आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमें उन शब्दों से राग करना है या नहीं करना। अगर हमारे लिए वे शब्द अच्छे लगते हैं, सुनने में अच्छे आते हैं, तो हम उन शब्दों से राग करने लगते हैं, या शब्द जिसने भेजे हैं उसके प्रति राग करने लगते हैं। लेकिन शब्द कभी आपके प्रति अशुभ आते हैं, कठोर आते हैं, कर्कश आते हैं, तो ऐसे शब्द आने पर हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता। पर आचार्य भगवंत कहते हैं शब्द किसी भी प्रकार के हों, वे पुद्गल की पर्याय हैं। अच्छे आ रहे हैं तो पुद्गल की पर्याय हैं, और अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी वे पुद्गल की पर्याय हैं। तो पुद्गल की जो पर्याय हैं, उनसे हमें राग द्वेष नहीं करना है। और भी व्याख्या हम इन शब्द के माध्यम से कर सकते हैं। फिर आता है बंध। बंध का मतलब होता है दो चीजों का मिल जाना, बंध कहलाता है। दो चीजों के मिलने का मतलब यह है कि दो प्रकार की एक सी वस्तुएं जब एक में एक हो जाती हैं तो दोनों का बंध हो जाता है। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दोनों एक में होकर दूध रूप हो जाते हैं, उसको बंध कहते हैं। तेल में दूसरा तेल मिलाया जाए, चिकनाई मिलाई जाए, और चिकनाई में अगर गुड़ है और मिट्टी में डाल दिया जाए तो रूखा और चिकना मिलकर के उसका भी बंध हो जाता है। लेकिन उसका जो बंध होगा वो एक मेक रूप नहीं होता है, क्योंकि कंकड़ अलग दिखेंगे और गुड़ अलग दिखेगा, और उस गुड़ में जो कंकड़ लग गए हैं, राख लग गई है,
तो गुड़ का स्वाद भी अब हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। पर गुड़ और राख का जैसे संयोग हो जाता है, ऐसे ही जीव और कर्म बरगणाओं का बंद हो जाता है। यद्यपि जीव अलग है, जीव का स्वभाव अलग है, जीव के कार्य अलग हैं, कर्म अलग है, कर्म का कार्य अलग है और कर्म का स्वभाव अलग है, सब कुछ अलग अलग होते हुए, भिन्न भिन्न होते हुए भी जीव का कर्मों के साथ बंध है। और जिन जिन जीवों का कर्मों के साथ बंध है, बस वे जीव मूर्तिक कहलाते हैं, जो अभी पीछे आप पढ़ चुके हैं। जिन जिन जीवों के साथ कर्मों का बंध है, वे जीव संसारी कहलाते हैं। ये अभी पूर्व की गाथाओं में आप सब लोगों ने जान लिया है। उसके बाद में आता है सूक्ष्म, जो सबसे छोटा शरीर होता है, लब्ध अपर्याप्तक जीव का सम्मूर्चन, लब्ध अपर्याप्तक जीव का सबसे छोटा शरीर होता है, जो हमारी आंखों से नहीं दिखता है, जो हमारी आंखों से देखने में नहीं आता है, ऐसी पदार्थों को, ऐसी वस्तुओं को सूक्ष्म कहते हैं। तो सूक्ष्म भी पुद्गल की एक पर्याय है। और उसके बाद में आता है स्थूलो थूलो। थूलो का मतलब होता है कि जो बड़ा होता है, जो किसी से नहीं आता है, वो रोकने में स्थूल, माने स्थूल मोटा, जो रागा मक्ष है वो स्थूल है। हमारा आपका जो शरीर है वह स्थूल है, जो किसी से रुके और किसी को रोके उसे स्थूल कहते हैं। फिर आता है संस्थान। संस्थान का मतलब होता है आकृति। शरीर की आकृति छह प्रकार की होती है, उंडक संस्थान, आदि, वज्रसभ, नाराज, सैनन और संस्थान, सब अलग अलग हैं। उन छह संस्थानों के साथ जिसका शरीर होता है वह संस्थान माने आकृति कहलाती है। भेद एक में से दो चीज की जाए उसको भेद कहते हैं। अर्थात जैसे हमारे पास में एक कपड़ा है, एक कपड़े के दो हिस्से कर दिए वो उसके भेद हो गए। कर्म हमारे पास में एक आठ है, उन कर्मों के और भेद कर दिए जाएंगे तो 148 भेद हो जाएंगे। और ऐसे क्रम क्रम से आप जो कुछ भी करना चाहे, जीवों की अपेक्षा, भावों की अपेक्षा, परिणामों की अपेक्षा से हम कर्मों के और जीव के अनेक भेद कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है तम। तम माने होता है अंधकार। अब अंधकार रात में ही होता है, दिन में नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इंद्र महाराज की कृपा दृष्टि हो जाए तो दिन में भी थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है, पर उसको अंधकार नहीं कहते हैं। अंधकार का मतलब होता है चंद्रमा के साथ जो अंधेरा होता है उसको तम माने अंधकार कहते हैं। फिर छाया। छाया का मतलब होता है परछाई, जो हमारे साथ रहती है, हमारे पीछे रहती है, हमारे आगे रहती है, हमारे बाएं रहती है। दोपहर में 12 बजे यदि आप बाहर खड़े हो जाएंगे तो आपकी छाया केवल आपके ऊपर ही पड़ेगी, में आपकी छाया दिखने वाली नहीं है। और 12 बजे के बाद में फिर आगे पीछे होता है, तो सूर्य के माध्यम से कभी पीछे की ओर आपकी छाया पड़ती है, कभी आप आगे की तरफ। तो जैसे छाया हर समय आपके साथ में रहती है, कभी आगे रहती है, कभी पीछे रहती है, ऐसे ही ये कर्म छाया की तरह इस जीव के साथ लगे हुए हैं। 1% छाया हमें दिख भी जाती है
पर किसी में भी उस छाया को पकड़ने की सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। कोई भी हमारी छाया को, आपकी छाया को कोई भी नहीं पकड़ सकता है। ऐसे ही कर्मों की जो शक्तियां हैं, कर्मों के भेद और प्रभेद हैं, उनको भी कोई पकड़ नहीं सकता है। बस कर सकता है तो शरीर से पृथक कर सकता है, शरीर से अलग कर सकता है, शरीर से जुदा कर सकता है। तो शरीर से जुदा आप कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन उस छाया को, उस कर्म को कोई भी अपने हाथों से पकड़ नहीं सकता है, भले ही वो रूप रस गंध वर्ण वाले होते हुए भी। आज हमको और आपको यदि पकड़ में आएगा तो नाम कर्म के कारण जो आपका हमारा शरीर हमको प्राप्त है, उसी शरीर को कोई पकड़ के दिखा सकता है। बाकी शेष जो कर्म है, आयु कर्म को कोई पकड़ के नहीं दिखा सकता, ज्ञान को कोई पकड़ के नहीं दिखा सकता, दर्शन को कोई पकड़ के नहीं दिखा सकता, और जो सुख दुख का अनुभव वेदनी कर्म के कारण होता है उसको भी कोई नहीं पकड़ सकता, ना देख सकता है, ना दिखा सकता है। लेकिन नाम कर्म जो है, जिसके कारण आपको और हमको शरीर प्राप्त हुआ है, उस शरीर को जरूर देखा जा सकता है, उस शरीर को जरूर पकड़ा जा सकता है, लेकिन शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को कोई भी नहीं पकड़ सकता। तो बंधुओं, जैसे छाया रहती है, साथ रहती है, साथ चलती है, साथ उठती है, ऐसे ही जिससे संबंध जुड़ जाता है, जिससे संबंध बन जाता है, और संबंध जिसका जिसके साथ में जुड़ता है, वो कोई इस भव का संस्कार नहीं, पुराना संस्कार होता है, और पुराने संस्कार के कारण अनायास सहजता में दो चीजों का मिलन हो जाता है, दो चीजों का मिलना हो जाता है, बस उसी का नाम है बंध। तो यहाँ पर छाया का मतलब है कि जो हमें दिखती है, हमारे साथ चलती है, हमारे साथ में रहती है, लेकिन किसी के भी पकड़ में नहीं आती है, बस उसी का नाम है छाया। तो जहां दो लोग मिल जाते हैं, वो भी छाया की तरह सदैव एक रूप रहते हैं। उसके बाद में आता है उद्योत। उद्योत का मतलब होता है प्रकाश, कांति। हमारे शरीर में जो तेज है, हमारे शरीर में जो कांति है, बस उसी को उद्योत बोलते हैं। और उसके बाद में आता है आता। ये आतप जो है, ये आतप है, ये सूर्य के विमानों में जो गर्मी होती है उसको आतप बोलते हैं। आतप का मतलब होता है प्रकाश, आतप का मतलब होता है तेज गर्मी। और सही माने इन सब से जो सहित हैं, अर्थात शब्द है, बंध है, सूक्ष्म है, स्थूल है, संस्थान है, भेद है, तम है, छाया है, और उद्योत माने तेज कांति, और आतप माने गर्मी, और इनसे जो सहित होते हैं, ये पुद्गल दब्बस पज्जाया, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब पुद्गल द्रव्य की पर्याय जानने के बाद हमको राग देश की परिणति में कर्मों का बंध नहीं करना है, कर्मों के बंध से हमको बचना है। तो जो हमारा और आपका बंध हुआ है, हमारा और आपका जो मिलन हुआ है, जो संयोग जुड़ा है, वह संयोग कोई एक भाव का नहीं होता है। ना जाने किस भाव में हमारा और आपका साथ रहा होगा, वही साथ आज वर्तमान में उदय में आ जाता है। तो उदय में आ जाने के कारण हम और आप एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। बस ये सब चीजें पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इन पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को समझकर इस जीव को, इस भव्य आत्मा को राग देश की परिणति से बचना चाहिए। ये पुद्गल द्रव्य की चर्चा हुई। अब पुद्गल
फिर उसके बाद में आता है धर्म द्रव्य। अब धर्म द्रव्य हमारे बीच में आता है, उसका क्या कार्य है, वे क्या कार्य हमारे बीच में दर्शाता है, तो आचार्य भगवंत कहते हैं, विशेष ध्यान रखिएगा, सामाजिक स्तर पर मंदिर में स्वाध्याय में गुरुओं के पास जो भी कार्य किया जाता है वो धर्म कहलाता है। लेकिन यहां पर जो चीज है धर्म की, यहां पर धर्म जो क्रियाएं आप कर रहे हैं सामाजिक स्तर पर जिनको अच्छा कहा जाता है उसको धर्म कहते हैं। लेकिन यहां पर धर्म द्रव्य की चर्चा है और धर्म द्रव्य की चर्चा यहां पर होते हुए यहां पर उन चीजों का ग्रहण नहीं करना है जो सामाजिक स्तर पर हमको धर्म के मार्ग से लगाती हैं, धर्म के मार्ग से जोड़ती हैं। यहां पर तो सीधी सी बात जो है कि आप चल रहे हैं तो चलता हुआ जो जीव और पुद्गल है उस चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में जो सहयोगी है, जो केवल प्रेरक है, जो केवल उदासीन रूप से आपका निमित्त है, ऐसा धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। तो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। शाश्वत तीर्थराज सम्मेय शिखर की वंदना करते हैं, तो सम्मेय शिखर की वंदना सभी लोग अपने अपने पैरों से करते हैं। लेकिन अपने अपने पैरों से करते हुए, अपने अपने शरीर से करते हुए वे सभी जीव एक लाठी लेकर अपने साथ में चलते हैं। तो जैसे लाठी लेकर वो चलते हैं तो लाठी जिस प्रकार आपके हाथ में होती है वो चलने में सहायक होती है, ऐसे ही धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। अब धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक कैसे होता है, तो दृष्टांत के रूप में कह रहे हैं, जैसे मछली, मछली को जल चलने में सहायक होता है, यद्यपि जल मछली को चलाता नहीं है लेकिन बिना जल के मछली चल नहीं सकती है। जल में रहती है मछली, जब उसको चलना होता है तो चलती है, जब उसको नहीं चलना होता है तो नहीं चलती है। लेकिन मछली बिना जल के एक इंच भी नहीं चल सकती है, और जल से यदि मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो बिने पाठ में आप लोगों ने एक पंक्ति पढ़ी हुई है, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन। हे भगवान, ये पंक्तियां जो हम पूजा में पढ़ते हैं और पूजा में पढ़ते हुए इन पंक्तियों का जो रहस्य कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो, हे भगवान आपके बिना मैं व्याकुल हुआ हूं, आपके दर्शनों की इच्छा और अभिलाषा मेरे अंदर है, लेकिन जब जब मुझे आपके दर्शनों का लाभ नहीं मिलता है, कोरोना महामारी के अंतर्गत विगत दूसरा वर्ष हमारा प्रारंभ है, पिछले साल अनेक भव्य आत्माओं को भगवान के दर्शन से वंचित रहना पड़ा, तो जिन जिन भव्य आत्माओं को भगवान के दर्शन से वंचित रहना पड़ा वे घर में रहते हुए इस पंक्ति का चिंतन मनन करते थे कि तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल मिन मीन। जैसे जल से बाहर निकाला जाता है तो मछली को बेचैनी होती है, तड़पन होती है, ऐसे ही भगवान के दर्शन के बिना, प्रभु के दर्शन के बिना इस जीव को तड़पन होती है। तो यहां पर
उसका संयोग जल के साथ में दर्शाया जा रहा है। अर्थात जैसे जल मछली को चलने में सहायक होता है, अब मछली के ऊपर चले चाहे ना चले, लेकिन बिना जल के मछली चल नहीं सकती है, यह निश्चित होता है। तो वही बात आचार्य भगवंत यहां पर कह रहे हैं धर्म द्रव्य का स्वरूप कहते हुए। मैं पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूं कि धर्म द्रव्य और धर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है। धर्म द्रव्य से धर्म मत समझ लेना और धर्म से धर्म द्रव्य नहीं समझ लेना, इन दोनों के अंतर को आप विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं गई परिनयाण धम्मो पुगल जीवाण गमन से यारी तो यम जे मच्छण अच्छंता ने विसोने। गई परिनयाण धम्मो पुगल जीवाण गमन से यारी तो यम जे मच्छण अच्छंता ने विसोने। अर्थात गई परिनयाण धम्मो, गई माने गमन करना जिसका स्वभाव है, या जाना जिसका स्वभाव है, जाने के लिए जो तत्पर है कौन, पुद्गल जीवाणाम, पुद्गल और जो जीव हैं, उनको गमन सहयारी, जाने में जो सहयोगी है, यानी कि चलता हुआ जो जीव और चलता हुआ पुद्गल, गमन करता हुआ जीव और गमन करता हुआ पुद्गल, गमन सहयारी, गमन करने में जो सहयोगी होता है उसको धम्मो, उसको धर्म द्रव्य जानना चाहिए। अर्थात चलते हुए जीव और पुद्गल को जो चलने में सहायक होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। दृष्टांत, जय माने जिस प्रकार, तोयम माने जल, मच्छाणम मछलियों को, गमन सहयारी गमन करने में सहकारी होता है, सहयोगी होता है, बिना जल के मछलियां नहीं चल सकती, उसी बात को आगे आचार्य भगवंत कहते हैं। अच्छंता, अच्छंता अर्थात जो नहीं जा रही है, नहीं गमन कर रही है, जो नहीं जा रही है, जाने के लिए समर्थ नहीं है, ऐसे चलते हुए जीव और पुद्गल को सो नेव नहीं, वे ले जाने के लिए समर्थ नहीं है। ध्यान रखना गई परिनयाण धम्मो पुगल जीवाण गमन सहयारी तो मच्छाणम अच्छंता नेव सोने। जो नहीं जाना चाहता है अच्छंता, जो गमन नहीं करना चाहता है, जो नहीं जाना चाहता है, ऐसे नहीं जाने वाले जो जीव और पुद्गल द्रव्य है उनको गमन सहयारी नेव माने नहीं है। अर्थात जीव और पुद्गल यदि चलना चाहते हैं तो चलते हुए जीव पुद्गल को धर्म द्रव्य चलने में सहायक है, और जो धर्म द्रव्य चलना नहीं चाहते हैं उनको वह धर्म द्रव्य चलने में सहायक नहीं है। धर्म द्रव्य मात्र उदासीन निमित्त है, कोई चलना चाहे तो चल सकता है और नहीं चलना चाहे तो उसको चलाने में सहायक नहीं है। हम घर से मंदिर जा रहे हैं, यद्यपि हम मंदिर जा रहे हैं तो धर्म करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन धर्म द्रव्य यदि हमारे पास में नहीं है, उसका सहयोग यदि हमने नहीं लिया है, तो हम वहां से यहां नहीं आ सकते हैं,
अर्थात चलते हुए जो जीव है, गमन करता हुआ जो पुद्गल है, उसको मंदिर तक पहुंचाने के लिए ये धर्म द्रव्य सहकारी है, निमित्त कारण है, उदासीन निमित्त है। तो यम जे मच्छणम, जैसे जल जाते हुए जीव और पुद्गल को गमन से यानी गमन करने में सहयोगी होता है, और यदि वे मछली, मच्छाणम माने मछली, अच्छंता, यदि वो गमन ना करें या ठहरना चाहे, जो ठहरा हुआ है उस ठहरी हुई मछली को ठहरने चलने में धर्म द्रव्य का कोई रोल नहीं है। यदि आप चलना चाहें तो आप चल सकते हैं, आपको सादर आमंत्रित किया जाता है। तो जब धर्म द्रव्य आपका साथ देगा तभी आप आ सकते हैं, और आपका धर्म द्रव्य साथ नहीं देगा तो आपको बुलाए जाने पर भी आप नहीं आएंगे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब जिसको आमंत्रित किया जाता है, जब किसको बुलाया जाता है और बुलाने पर वो आ जाता है, तो धर्म द्रव का जब उसके पास में सहयोग रहता है तभी वह आ सकता है। अच्छंता, यदि वह नहीं आना चाहे तो उसके पास में 50 वाहने हैं, क्योंकि यह जीव स्वतंत्र है। प्रत्येक कार्य करने के लिए इसके पास में स्वयं की ताकत है, स्वयं की क्षमता है, और जो काम इसको करना है उस काम को करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता ये नहीं समझता है और ना ही किसी से पूछना है। लेकिन इसको यदि कोई काम नहीं करना है तो फिर उसके पास में 50 वाहने उसके पास में रहते हैं, और 50 वाहने पर के सामने वाला मना कर रहा है, सामने वाला नहीं आने दे रहा है, तो बहाने बनाने के लिए सामने वाले को निमित्त और एक आधार बना लिया जाता है, पर वास्तविकता कुछ और है। क्योंकि ये जीव बिना धर्म द्रव्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रंच मात भी अपनी क्रिया करने में समर्थ नहीं है। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, उनको द्रव्य संग्रह पढ़ लेना चाहिए। बंधुओं, अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जीव बिना धर्म द्रव्य के सहयोग के जा नहीं सकता है, और यदि धर्म द्रव्य उसका सहयोग ना करेगा तो वो जहां है वहीं रहेगा, वहां से एक इंच भी ना आगे हो सकता है ना एक इंच भी पीछे हो सकता है। इसलिए बंधु, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, ये पक्की बात है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिवर्तित करने में सहयोगी अवश्य होता है, निमित्त अवश्य बन जाता है, कारण अवश्य बन जाता है। क्योंकि जब हम और आप पढ़े हैं, साइंस के हिसाब से भी पढ़े हैं कि कुछ चीजों को मिला दिया जाए तो जल बन जाता है। हमारे साधक गण, हमारी माँ और बहन, हमारे भाई 3 चीजों को मिलाते हैं तो पता नहीं क्या बन जाता है, जिसका नाम सामान्यतः लोग यही कहते हैं कि अमृत धारा। अमृत का मतलब होता है कि जिसको प्राप्त करने के बाद कभी मरण को प्राप्त नहीं होता। सर्दी है, गर्मी है, जुकाम है, एक बार अमृत धारा का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ठंडी चीज ठंड को अलग करती है,
सामने वाला सोचेगा भाई ये ठंड वैसी लग रही है, अब क्या किया जाए, इसका उपयोग किया जाए कि नहीं किया जाए। तो प्रैक्टिकल करने में क्या जा रहा है? तो कहने का अभिप्राय यही है कि एक धर्म द्रव्य के बिना, बिना उसकी सहायता के, बिना उसके सहयोग के कोई भी जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता है। तो धर्म द्रव्य के बिना, आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वार सूत के 10वें अध्याय में कि जब ये सिद्ध परमात्मा ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का क्षय करता है, पहले 4 घातिया कर्मों का क्षय करता है, नाम कर्म की 13 प्रकृतियों का क्षय करता है और शेष 3 आयु कर्म की प्रकृतियों का क्षय करता है। इन सभी प्रकृतियों के 63 प्रकृतियों के क्षय करने पर अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है और शेष जो बची हुई 85 प्रकृतियां हैं, क्योंकि 148 कर्म प्रकृतियों में से अभी आपने 63 प्रकृतियों को नष्ट किया है, तो शेष बची हुई जो 85 प्रकृतियां हैं उन 85 प्रकृतियों को नष्ट करके ये जीव जब ऊर्ध्वगमन करता है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन इसका स्वभाव है, ऊपर जाना इसका स्वभाव है, तो ये जीव जब ऊर्ध्वगमन करता है तो ऊर्ध्वगमन करता हुआ उस आलोकांतात लोक के अंत में जाके रुक जाता है। अब विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है कि जहां पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई है, ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के अभाव से 8 गुणों की प्राप्ति हो गई है, अतुल बल जिनके पास में, अतुल शक्ति जिनके पास में है, अनंत वीर जिनके पास में है, ये सब चीजें होने के बाद भी यह जीव उस धर्मास्ति काय का सद्भाव जहां तक है केवल उस स्थान तक ही गमन करता है, उसके आगे रंच मात्र भी नहीं हिलता। अर्थात आचार्य महाराज को कहना पड़ा धर्मास्ति काया भावा, अर्थात धर्म द्रव का अभाव होने के कारण जो सिद्ध आत्मा है, सिद्ध परमात्मा है, जिन्होंने कर्मों का क्षय किया है, ऐसे कर्मों को क्षय करने वाली ये जीवात्मा उस धर्मास्ति काया भावात धर्म द्रव का अभाव होने के कारण वे आलोक में जाकर, लोक के अंत में जाकर रुक जाती है, उससे आगे नहीं जा पाती। तब यहां पर यह विचारणीय बात है, चिंतनीय बात है कि जिसने ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्षय करने के बाद अनंत चतुष्टय अनंत बल को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा जीव एक रंच मात्र बाल के रंच मात्र बराबर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर पाता है। ये धर्म द्रव की महिमा है, ये धर्म द्रव का प्रभाव है कि अनंत चतुष्टय प्राप्त होने के बाद वो धर्मास्ति काया भावात वहां पर ही रुक जाते हैं, उससे एक इंच आगे भी वो नहीं जा पाते हैं। इसलिए जिन लोगों के अंदर ये बैठा हुआ है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भले ही कुछ ना करे पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रभावित करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से प्रभावित होता है, तो जैसे धर्म द्रव्य के कारण ये जीव जब कर्मों को नष्ट कर देता है तो एक रंच बाल रंच बराबर भी वह थोड़ा सा भी आगे नहीं जा पाता है। ये अपने को चिंतन करना है, मनन करना है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत वही कह रहे हैं कि गई परिनयान दम्मो, गमन करना जिसका स्वभाव है और जो गमन करना चाहता है, ऐसा पुग्गल जीवाणम, पुद्गल और जीव द्रव को
गमन करने में जो सहयारी सहयोगी है, सहायता करता है, ऐसा जो धम्मो माने धर्म द्रव्य है, वह चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता है। दृष्टांत देते हैं, तोयम जय मच्छाणम, जैसे मछली, मच्छाणम माने मछली, तोयम माने जल, गई जय माने जिस प्रकार, तो जिस प्रकार जल को, जल मछली को चलने में सहायक होता है, परंतु नियम बना दिया, शर्त बना दी कि यदि मछली नहीं चलना चाहे तो, कहते मछली यदि नहीं चलना चाहे अच्छंता, यदि मछली नहीं चलना चाहती है तो उसको चलाने में कोई भी सहयोगी नहीं है, अच्छंता नेव सो नहीं, यदि मछली नहीं चलना चाहती है तो जल उसको जबरदस्ती उसको चलाएगा नहीं, क्योंकि प्राय करके मछलियां जल में चलती हैं, लेकिन कुछ मछलियां आराम